डीडीएस न्यूज में आपका स्वागत है। खबर औरैया शहर से है, जहां पर आज एएसपी कमलेश दीक्षित औरैया ने हेलमेट बाबा की एक अनोखी साइकिल चलाकर लोगों को जागरूकता का संदेश दिया। आपको बता दें कि कई वर्षों से समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से रमेश कुमार प्रजापति इस मोटरसाइकिल रूपी साइकिल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी बात से प्रेरित होकर आज अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने यह अनोखी साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया। पुलिस कर्मियों का रोज का एक आदत सी बन गई है कि घर से निकलना, लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए सचेत करना, सजग करना। उसी क्रम में ये हमारे जो प्रजापति हैं, इन्होंने अपने साइकिल पे तमाम स्लोगन लिखवा रखा है कि कैसे कोरोना को कंट्रोल करें, क्या क्या हम करें। आज जब इनकी साइकिल मैंने देखा तो मैं भी अपने को बर्बस रोक नहीं पाया और इनकी साइकिल चला के मैंने भी लोगों को ये संदेश देने की कोशिश किया कि ये जैसे प्रजापति लोगों को संदेश दे रहे हैं, लोग जागरूक हों, सजग हों, सचेत हों और अपना काम खुद करें, जिससे कि हम पुलिस वालों को रोज़ रोज़ उनको न बताना पड़े और ये प्रिकॉशन लेकर के ही हम कोरोना को हरा सकते हैं, कोरोना से जनपद को मुक्त करा सकते हैं। यही उद्देश्य था और इसी उद्देश्य को लेकर के आज इनको प्रजापत को भी हम लोगों द्वारा सम्मानित किया गया है, जिससे कि इनका मनोबल बढ़े और जनता में एक अच्छा संदेश जाए और कोरोना को नियंत्रित किया सके, उसे समाप्त किया। जो असम ने गाड़ी चलाई है, आज हमारे अंदर इतनी खुशी की लहर है कि आप हम क्या कितनी बता सकते हैं। और जो हम कर रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना से लड़ना है और मैस लगाइए और साहब लोग जो कह रहे हैं अंदर रहिए, उल्लंघन मत करो। संगठन एक ऐसी चीज़ है, सब हम आप लोग मिलकर एक संगठन करेंगे तो कोरोना जरूर यहाँ से जाएगा। प्रजापति जी, आपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। जी जी, आपने हेलमेट की जागृति के लिए अपना जीवन बिल्कुल उसी तरह ढाल लिया है कि लोगों को जागरूक होते रहे। आज आपका सम्मान हुआ है, इस सम्मान में आप क्या लगता है कि आपके जीवन का जो मेहनत रही वो सफल हो गई? सर, हमारी बिल्कुल आज हमारी ये हो गई, हमारी बिल्कुल सफल रही। जी सर, हमारे पूरे देश से ये स्वागत हुआ है और यह नहीं, पूरे देश से स्वागत हुआ है यहाँ। मतलब एक रमेश कुमार प्रजापति इस मोटरसाइकिल रूपी साइकिल के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसी बात से प्रेरित होकर आज अपर पुलिस अधीक्षक कमलेश दीक्षित ने यह अनोखी साइकिल चलाकर लोगों को जागरूक किया। साथ ही कहा कि दो पहिया वाहन और हेलमेट का प्रयोग जरूर करें। खबर सूरत से है। सूरत में आरएसएस स्वयंसेवकों द्वारा किरण हॉस्पिटल, डायमंड हॉस्पिटल और समी मेयर हॉस्पिटल पर घोष वादन करके सभी कोरोना वॉरियर्स का हौसला बढ़ाया जा रहा है।